ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सबको सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड जो गाइस हमारा कॉन्सेप्ट होगा गाइस ये थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, इसलिए गाइस आप सभी थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। एंड गाइस आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आप इजीली आप अपनी जब फोटो एडिट करने जाओगे तो आपको एकदम इजी स्टेप में आप अपनी फोटो एडिट कर पाओगे। बस यार आप लोगों को थोड़ा वीडियो को ध्यान से देख लेना, ठीक है गाइस। बाकी जो भी होगा वीडियो का स्टॉक वगैरह वो सब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस अगर आप लोग ऐसी फोटो एडिट करते हो तो गाइस मेरे को इंस्टाग्राम में टैग करना मत भूलना गाइस, इंस्टाग्राम का लिंक आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके वहाँ पर चेकआउट जरूर करना। एंड बाकी चले गए किस नई वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस आप सभी को अपने मॉडल का बैकग्राउंड रेस करना है गाइस पहले, ठीक है। तो जो गाइस मॉडल का बैकग्राउंड रेस करेंगे हम उसके लिए हम यूज़ करेंगे आप ड्रो टूल का। ड्रो टूल में अपनी फोटो को ले जाने के बाद गाइस आप सबको लेयर को सिलेक्ट करना है एंड आपको इरेजर टूल में जाना है। यहाँ पे गाइस आपको साइज अपने अकॉर्डिंग रख लेना है एंड गाइस फोटो को जूम करके फटाफट इसको इरेज कर लेना है। बाकी मैं इसको फटाफट इरेज करता हूँ। उसके बाद गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप सभी को, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लेना। देन गाइस आपको जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड करना है, ठीक है। इस मॉडल को ऐड करने के बाद गाइस आप सभी को मॉडल को जो है अपने कुछ स्टेप्स यहाँ पे इतना साइज रख लेना है, ठीक है। एंड जो मतलब कि धोनी है जो गाइस उसके हिसाब से आपको अपने हाइट को रखना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस इसका थोड़ा सा ना ब्राइटनेस आपको यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है मॉडल का अपना। तो उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप सभी को यहाँ पे थोड़ा सा जब ब्राइटनेस को अपने हिसाब से आप रख लेना, ठीक है। अगर आपके फेस पर जितना एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी गाइस हमें जो है धोनी के फेस से मैच कराना है तो उसके लिए हमें इतना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे डन करते हैं। एंड इसका अपने जो मॉडल है हमारा गाइस इसका हम पहले तो यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट करके हम यहाँ पे साइड में रख लेते हैं। एंड जो दूसरा मॉडल है इसका गाइस यहाँ पे हमें ह्यू चेंज करना है, क्योंकि जो टी शर्ट का कलर है हम यहाँ पे येलो करना है। तो उसके लिए करेंगे हम इसका जो सैचुरेशन सॉरी ह्यू को हम माइनस की तरफ नीचे की तरफ लाएंगे। एंड यहाँ पे आपको येलो कलर इजीली दिख जाएगा, तो आपको सिंपली इसको ऊपर ले आना है। एंड यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स ऐसे रखना है, ठीक है। एंड जो इसका सैचुरेशन होगा गाइस आपको उसको बढ़ा देना है, ठीक है। सैचुरेशन बढ़ा देना है। देन गाइस जो हमने जो डुप्लीकेट दिया था गाइस उसका आप क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको डन करना है। जो दूसरा वाला मॉडल था जो आपका जो जिसका डुप्लीकेट किया था आपको सिंपली इसको यहाँ पे लेकर आना है, ठीक है कुछ स्टेप से। एंड इसको यहाँ पे लाने के बाद आपको रेजर टूल में जाना है, इसको यहाँ पे इन्वर्ट करना है। एंड जो गाइस ब्रश लेना है आपको, ब्रश को लेने के बाद गाइस जो जो आपका फेस का एरिया है ओनली वहाँ पे रखना है, ठीक है। जो टी शर्ट का कलर गाइस हमारा येलो है तो उसको येलो छोड़ देना, बाकी जो आपका फेस वेस है उसका सेम वापस से वही कलर ले आना है, ठीक है। तो ऐसे पेंट कर लेना फटाफट से। ओके गाइस तो यहाँ पे हमने इतना कर लिया है। अब क्या गाइस करना, आपको क्लोन टूल में जाना है। क्लोन टूल में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को जो है जो एरिया रह गया यहाँ पे गाइस, ठीक है, जैसे कि देखिए ये ब्लू कलर में रह गया, तो अब इसको येलो करने के लिए हमें यहाँ पे फटाफट से इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। एंड गाइस क्लोन टूल के ऊपर अगर आपको परफेक्ट से समझ आना तो गाइस इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जाकर उस वीडियो को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि क्लोन टूल का एक्चुअल में आपको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे फटाफट से करता हूँ। सो गाइस अब देखिए गाइस जो हमारा जो धोनी है गाइस उसका जो चेन्नई सुपर किंग के जो भी मतलब लोगो वगैरह है, अब हमें वो लगाना है अपने हिम्मत भाई के ऊपर। तो कैसे लगाएंगे गाइस, उसके लिए मैंने गाइस यहाँ पे एक पीएनजी बना रखा है आपसे के लिए टी शर्ट का। आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपका जो मॉडल का पोज होगा गाइस वो आपसे भी कुछ इस टाइप से ही रखना है। एंड उसके बाद जो ये पीएनजी है गाइस इसको आपको सिंपली ऐसे आपको मैच कराना है अपने उसकी टी शर्ट के ऊपर, ठीक है। बट गाइस हम इसे डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे इसको इरेजर टूल में जाएंगे, इसको यहाँ पे इन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस ब्रश को लेना है। एंड ब्रश को लेने के बाद गाइस आपको बीच बीच में एंड साइड साइड में इसे पेंट करना है, ठीक है। मतलब कि इससे एक वाला लुक देना है जो मतलब कि एकदम मतलब कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने जो है पीएनजी डायरेक्ट लगाया है, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे पेंट करना है तो ऐसे लगेगा कि आपने जो टी शर्ट है वो गाइस पहले से पहन रखी है, ठीक है। तो आपको ऐसे करके लगाना है, डायरेक्ट आपको पीएनजी को ऐड नहीं करना है, ठीक है।
आपको कुछ स्टेप्स ऐसे कर लेना फटाफट से, तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आगे जो करना वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे भी आपको क्लोन टूल का यूज़ करना पड़ेगा गाइस, ठीक है, क्योंकि यार हम एकदम परफेक्ट तरीके से इस पीएनजी को यहाँ पे एक बार में नहीं लगा पाएंगे। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे डन करेंगे एंड उसके बाद यहाँ से जाएंगे हम टूल्स में, फिर जाएंगे इस पर क्लोन टूल में। क्लोन टूल में जाने के बाद गाइस यहाँ पे हम जो साइज है अपने अकॉर्डिंग फिर से रख लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे जाएंगे जूम करेंगे एंड यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे कुछ स्टेप्स ऐसे फटाफट पेंट करेंगे, ठीक है। तो गाइस क्लोन टूल के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, मैं वापस से कह रहा हूँ आप सभी को, तो आप लोग उस वीडियो को जगह चेकआउट जरूर करना, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इतना करने के बाद गाइस आपको दोबारा जाना ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस जब पैंट है हमारी जो मॉडल का उसके ऊपर आप सभी को पैंट भी बनाना, तो पैंट को कैसे रखना आपको कुछ स्टेप्स ऐसे रखना साइज, ठीक है, साइज कुछ स्टेप से एंड उसके बाद जो है पैंट होगा गाइस जो आपकी उसको आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर चेक करना है कि आपको जो परफेक्ट तरीके से लगाई कि नहीं लगाए, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे करते हैं। एंड गाइस अगर आप चाहो तो डायरेक्ट अगर पीएनजी लगाओगे तो गाइस आप हैंड ये वाला यूज़ कर सकते हो हिम्मत भाई का डायरेक्ट, आप अदरवाइज आपकी मर्जी है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसकी ओपेसिटी कम करके चेक करेंगे एंड इरेजर टूल में जाएंगे एंड यहाँ पे जो है हार्डनेस फुल कर लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे फोटो को जूम करेंगे एंड फटाफट इसको इरेज करेंगे यहाँ पे साइड से एंड जो भी एरिया हमें नहीं चाहिए उसको हम यहाँ पे इरेज करेंगे, ठीक है। तो गाइस अब क्या रह जाता है हमारे यहाँ पे बनाने, यहाँ पे हमें शेडो, ठीक है, तो अपने मॉडल के जो पेंट है उसके ऊपर शेडो बनानी है, तो उसके लिए हमें ब्लैक शीट लेंगे एंड यहाँ पे इरेजर टूल में जाएंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, ब्रश को लेंगे एंड यहाँ पे साइज कुछ स्टैंड रखेंगे एंड इसका फोटो को जूम करके कुछ स्टेप्स पेंट करेंगे एंड इसको मूव डाउन करके एंड ऐसे कुछ फटाफट से इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो आप सभी को ऐसे ही करना है एंड इसके बाद जो उसकी ओपोसिटी इसको यहाँ पे कम रख लेना है, यहाँ पे कर देना डन। अब गाइस आपको करना, आप चाहे जाना है दोबारा से क्लोन टूल में एंड यहाँ पे जो गाइस हैंड दिख रहा है गाइस आपको सिंपली इसको यहाँ पे पूरा मर्ज करना है कुछ इस टाइप से, तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे क्लोन टूल से एंड फटाफट से इसको सही कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस क्लोन टूल के ऊपर वीडियो जाकर आप जरूर देखना गाइस, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आपको, क्योंकि यार ये जो मतलब कि ऐसी फोटोज़ जो होती है ना उसमें यार क्लोन टूल का हमारा काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप सभी कुछ स्टेप्स ऐसे कर लेना है। देन गाइस उसके बाद आपको जाना है एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद गाइस जो आपको सैचुरेशन होगा उसको बढ़ा देना है, क्योंकि गाइस हमारा जो मॉडल हिम्मत भाई है उसका एक हैंड है वो यहाँ पे मॉडल से मैच नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सैचुरेशन बढ़ा के एंड यहाँ पे हाथ के ऊपर कुछ स्टेप से फटाफट से पेंट कर देंगे, ठीक है। तो अगर यार आपके फेस वेस और जहाँ जहाँ पे अगर आपका मॉडल मैच नहीं हो रहा होगा ना हैंड वेंड, तो गाइस आप ऐसे सैचुरेशन बढ़ा लेना एंड उसके बाद आपको अपने हैंड जो मतलब जहाँ जहाँ पे आपको वैसा मैच कराना हो वहाँ पे कुछ ऐसे पेंट कर देना है। एंड गाइस जब सैचुरेशन से भी बात नहीं बनेगी तो आपको क्या करना है, देखिए जैसे कि यहाँ पे सैचुरेशन बात नहीं बन रही तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे ब्राइटनेस में जाएंगे एंड इसका एक्सपोजर बढ़ा देंगे, तो गाइस देख सकते हो आप एकदम बिल्कुल मैच हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे डन कर देते हैं, अब इतना तो यहाँ पे हमने कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे गाइस यहाँ पे हम, अब यहाँ से इतना काम हमारा बहुत है तो अब इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, हमने सारी पीएनजी वगैरह लगा लिए, अब इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे एंड इसको यहाँ से लेके चलेंगे लाइट रूम ऐप में, क्योंकि गाइस जो भी कलर क्रिएशन होगी हमारी वहीं पे होगी, तो इसको लेके चलते हैं हम लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे जाना है लाइट वाले ऑप्शन में एंड जो गाइस इसका कॉन्ट्रास्ट होगा आपको उसको थोड़ा बढ़ा देना है एंड जो गाइस हाईलाइट होगा इसको आपको थोड़ा माइनस कर देना है एंड जो गाइस शेडो होगा आपको उसको यहाँ पे इंक्रीज कर देना है, ठीक है। शेडो को आपको इंक्रीज कर देना है एंड जो गाइस व्हाइट है इसको थोड़ा सा कम कर देना है एंड जो ब्लैक है इसको थोड़ा बढ़ा देना है। फिर जाना है गाइस आपको कलर्स वाले ऑप्शन में, इसका जो वाइब्रेशन होगा आपको उसको बढ़ा देना है, जो टेम्परेचर होगा उसको कम कर देना है। फिर गाइस आपको जाना कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको माइनस करना है एंड गाइस इसका ल्यूमिनस आप बढ़ा सकते हो अपने फेस के अकॉर्डिंग। देन गाइस आपको जाना येलो कलर में, आप इसका ह्यू जैसा मर्जी चाहो वैसा रख सकते हो, आपको थोड़ा सा मतलब कि लाइट में रखना है तो आप गाइस ह्यू को प्लस कर सकते हैं, सैचुरेशन भी बढ़ा सकते हो। देन जाना आपको डार्क ब्लू में, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देना एंड कर देना ऐसे डन। फिर जाना गाइस आपको नीचे वाले टूल में फोटो की जो क्लियरिटी होगी आपको उसको बढ़ा देना है एंड जो गाइस फोटो में पिगमेंट होगा वो हल्का सा कम कर देना है एंड इसको नीचे स्क्रॉल करना आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है एंड जाना नीचे वाले टूल में फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है एंड गाइस नोट रिडक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है एंड नीचे मिलेगा आपको कलर नोट रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने, तो गाइस आशा करता हूं और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए गाइस हम तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।